अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जी बाबा जी चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ब्लेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना एक लॉगिन पेज बनाएंगे। देखेंगे कि किस तरह लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया जाता है और कैसे जो है वो हम सेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल सके कि ब्लेजर की एप्लीकेशन के साथ कौन सा यूजर जो है वो इस वक्त कम्युनिकेट कर रहा है। चलिए हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यूजिंग डैपर के नाम का हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो डेटाबेस बनाई हुई है उसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास डेटा एसक्यूएल सर्वर एप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हमें यहाँ पे डीबी टेस्ट के नाम से हमारे पास जो है वो डेटाबेस है लोकल डीबी में। टेस्ट डीबी के नाम से हमारे पास है डेटाबेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है। सो ये वाला नहीं, डीबी टेस्ट के नाम से एक टेबल यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है डीबी स्टूडेंट के नाम से। एक और अब हम टेबल क्रिएट करते हैं और उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आईडी, इसकी डेटा टाइप इंट है। इस आईडी को हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं और आइडेंटिफिकेशन इसकी ट्रू कर देते हैं, वन के हिसाब से इंक्रीमेंट होता रहे। और इसका पहला जो एट्रीब्यूट्स है वो ईमेल है, पासवर्ड चार इसको 50 भी कर सकते हैं और मैक्स पे भी कर सकते हैं। कंट्रोल सेव इसको नेम दे देते हैं एडमन टीवी के नाम से। ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम अपना एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। इसी के अंदर मॉडल एडमिन मॉडल पब्लिक, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने डेटाबेस के अकॉर्डिंग आईडी, ईमेल और पासवर्ड, ये तीन हमारे पास एट्रीब्यूट हैं। आईडी स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड, ये हमने मॉडल भी क्रिएट कर लिया। डेटाबेस इस टेबल के अंदर हम कुछ वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट मैनुअली यहाँ पे रख देते हैं। एडमिन एट gmail.com पासवर्ड 123।
ये हमारा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है और टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका है। इस पेज के अंदर हमारे पास जो इंडेक्स वाला पेज है इसी को हम लॉगिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो हमारा ये शेड है इसमें ये हमारे मेन लेआउट पड़ी हुई है। इस मेन लेआउट में अगर आप देखें तो ये हमारा एक मेन डिव है और ये साइड बार है। यहाँ पर ये मेन डिव ये असल में क्या है, ये क्लास है। ये कहाँ पे पड़ी हुई है, शेड के फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें, यूजिंग डेपर हमारा प्रोजेक्ट का नेम है और शेड वाले फोल्डर के अंदर नेव मेन्यू के नाम से हमारे पास मेन्यू पड़ा हुआ है। ये नेव मेन्यू बार है हमारे पास। मैं इसी को कॉपी करके स्टूडेंट और इसका जो लिंक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं तो ये हमारे पास ये स्टूडेंट का पेज है, ठीक है जी। अब हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है वो असल में हमारा मेन इंडेक्स, यानी कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमारा लॉगिन का पेज जो है वो सबसे पहले ओपन हो और उसके ऊपर ये किसी किस्म का साइड मेन्यू जो है वो शो ना हो, सिंपल जो है वो हमारा लॉगिन पेज एक डिस्प्ले। उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक रेजर कंपोनेंट जो है वो ऐड कर लेते हैं लॉगिन के नाम से। और इसको एट पेज और हमारे पास जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज में इसको मैं इंडेक्स कर देता हूँ, यानी कि ये असल में रोटिक है। ये हमारे पेज की इंफॉर्मेशन है कि हमारा पेज जो है, जैसे ही मैं जो URL के अंदर इंडेक्स लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और अब हमारा पेज जो है ना वो ये वाला ओपन होता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक लॉगिन टेम्पलेट जो है वो यहाँ से बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म टेम्पलेट एक इसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल सी लॉगिन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसमें किसी किस्म का जावास्क्रिप्ट नहीं है। सिर्फ मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास इसका स्टाइल है, इस स्टाइल को भी यहाँ से कॉपी करें और इसी के अंदर जो है स्टाइल के जरिए से आप पुट कर दें। इसको मैं एक दफा इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली इशू ये है कि मैं इसको
यहाँ से रिमूव करके अलग ये CSS के अंदर ये मेरे पास साइट डॉट इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ से रेफरेंस चेक कर लेते हैं कि साइट डॉट सी एस एस का रेफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा लॉगिन पेज जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रन ये ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इस तरह जो है ये साइड मेन्यू आ रहा है ठीक है जी। अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा उसके लिए हम इस शेयर्ड के फोल्डर के अंदर एक रेजर कंपोनेंट ऐड करते हैं लॉगिन लेआउट के नाम से और ये एम्प्टी होगा किसी किस्म का इसके ऊपर करते हैं रिमूव एट लेआउट लेआउट कंपोनेंट बेस एट डिव यहां से हम ये जो मेन लेआउट है एट बॉडी सॉरी इनहेरिट ये हमारा जो है वो एक लेआउट बन गया है और ये लेआउट हमारा चूंकि एक लॉगिन के लिए है तो यहां पर एट लेआउट और ये इसके साथ हम कौन सा लेआउट लॉगिन वाला जो लेआउट है वो हम इसके साथ ऐड करेंगे। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो अब हमारा जो है वो ये पेज इस तरह अब हम मैं आपको बता देता हूं जो हमारा लॉगिन का फॉर्म है जो लॉगिन होता है वो असल में दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला इसका पार्ट जो है वो असल में जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लॉगिन के फॉर्म के अंदर वो कंपेयर होती है उस इंफॉर्मेशन के साथ जो डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है। अगर वो इंफॉर्मेशन कंपेयर होने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट या ट्रू में दे या फॉल्स में दे, अगर वो ट्रू में देती है तो इसका मतलब यह है कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो राइट है और वो उसको नेक्स्ट अगले पेज पे रेफर कर देता है। और अगर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो राइट नहीं होते और वो उसके उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स में आता है तो देन क्या होगा कि वो
उसको बता देंगे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है, एक मैसेज जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर पेज के ऊपर जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग। मतलब क्या है कि हम सबसे पहले डेटाबेस के टेबल में मौजूद जो डेटा है उसको रिट्राइव करेंगे, और फिर वो वाली इंफॉर्मेशन जो फॉर्म के अंदर हम पुट कर रहे हैं उसको उस इंफॉर्मेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक जेनरिक फंक्शन जो हमारे पास ऑलरेडी लोड वाला फंक्शन एक है उसी को हम यूज करेंगे, और यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाएंगे एडमन डेटा एडमन डेटा के नाम से हमने इसकी क्लास बनाई। और अगर यहाँ पर स्टूडेंट डेटा को मैं ओपन करूँ तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये वो इंटरफेस है जिसके अंदर हमने एक्चुअली कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन किया हुआ है, और इसी के अंदर हमने दो जेनरिक फंक्शन जो है वो डिफाइन किए हुए हैं, एक सेव के नाम का जेनरिक फंक्शन है और एक लोड के नाम नेम से है। सेव के नेम का जो फंक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली डेटाबेस जो है वो डेटाबेस डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा होता है, डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हो रहा है। और जो लोड वाला फंक्शन है वो एक्चुअली क्या काम करता है कि वो हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंग डेटा को एक लिस्ट के थ्रू रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है जी, ये दो फंक्शन है जेनरिक फंक्शन। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसी लोड वाले फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये एडमिन डाटा के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये डायरेक्टरी यूज करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि एडमिन का हम डाटा जो है वो गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एडमिन मॉडल आ जाएगा, एडमिन मॉडल। इसी डाटा क्लास का हम एक इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं आई एडमिन डाटा के नाम से, और ये इंटरफेस जो है वो इसी नेम स्पेस के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये इसको इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर क्यूरी जो है वो चेंज कर देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमन टी। अब ये हमारा जो है वो डेटा क्लास के अंदर जो लोड के फंक्शन है वो हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसके सर्विसेज जो है वो यहाँ पे कॉल करवाएंगे, सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट आई एडमिन डेटा ये लॉगिन का पेज है। इसी के नीचे मैं इसका कोड जो है वो राइट करता हूँ, सी शार्प का कोड। एक फंक्शन जो है वो ओवरलोड मेथड, एक ओवरलोड फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं जो कि पैरामीटर को सेट करेगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक
स्टैटिक लिस्ट जो है वो डिफाइन करता हूँ, और उस लिस्ट के अंदर मेरे पास एडमिन का डाटा जो है वो सेव होगा। एडमिन लिस्ट न्यू, इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड ओवरराइड ऑन पैरामीटर सेट, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर इंजेक्ट कर लें पहले उस सर्विस को, एडमिन आई एडमिन डाटा डीपी एडमिन, ये उसका एक वेरिएबल हमने बना लिया। अब इस एडमिन लिस्ट के अंदर हम इस इंटरफेस इस वेरिएबल को यूज करते हैं, इस डॉट लोड डाटा। अब अगर यहाँ पर मैं डिबगर यूज करके प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, F10, अब ये देखें इस लिस्ट के अंदर किसी किस्म का कोई डाटा नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास रो जो है वो मौजूद है, उसके ईमेल के अंदर admin@gmail.com और 1 2 3 4 5 उसका पासवर्ड और ये उसका आईडी है। अब इस एडमिन लिस्ट के अंदर हमारे पास जो डाटा मौजूद होगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस डाटा के साथ जो इस फॉर्म के अंदर हम सबमिट करवाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है इसको मैं चेंज करता हूँ एडिट फॉर्म से, और यहाँ पर इस एडमिन का एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, और इस मॉडल के अंदर वो वाला डाटा होगा जो हम फॉर्म से गेट करेंगे, इज इक्वल टू न्यू मॉडल और ये मॉडल जो है वो यहाँ इसको डिफाइन कर देते हैं एट मॉडल ऑन वैलिड सबमिशन की सूरत में मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सबमिट के नाम से, और ये वाला सबमिट जो है वो मैं प्राइवेट वाइट, ये हमारा फंक्शन यहाँ पे सबमिट के टाइम पे कॉल होगा, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा उस सूरत में हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब इस डाटा को हम बाइंड कर देते हैं एक एक एट, ये इनपुट है बाइंड वैल्यू, और इसके साथ मैं वैल्यू बाइंड कर देता हूँ मॉडल डॉट ईमेल की, और जो दूसरा हमारे पास है उसके साथ में मॉडल डॉट एट बाइंड वैल्यू इज इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड, अब हमारे पास जब ये सबमिट होगा उस सूरत में हमारा डाटा जो है वो इस मॉडल के अंदर आ जाएगा, और नेक्स्ट हम उसको यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एडमिन लिस्ट डॉट एनी, कि एडमिन लिस्ट के अंदर अगर कोई भी डाटा जिसका पासवर्ड
और ईमेल जो है वो इक्वल हो मॉडल डॉट ईमेल के एंड ए डॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स मॉडल डॉट पासवर्ड के। अगर इसमें ये कोई भी इसके अंदर डाटा मौजूद हो जिसका ईमेल और पासवर्ड जो है वो इस सबमिट किए हुए इंफॉर्मेशन के इक्वल हो, देन हम नेविगेशन नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एट इंजेक्ट नेविगेशन मैनेजर को हमें सबसे पहले इंजेक्ट करवाना होगा, उसको माई नेव का नेम दे देते हैं। अब माई नेम डॉट नेविगेट टू, और इसको कहाँ पे नेविगेट करवाएंगे हम, इसको हम करवाएंगे स्टूडेंट वाले फॉर्म। एल्स कंडीशन में एक स्ट्रिंग के नेम से मैसेज हम ले लेते हैं और उस मैसेज के अंदर योर ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, और इस मैसेज को हम प्रिंट करवा देते हैं इस फुटर के अंदर एट मैसेज। वेरी सिंपल। अब इसको रन करने के बाद देखते हैं, यहाँ पर मैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ और जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो योर ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। अब यहाँ पर एडमिन एट जीमेल डॉट कॉम और यहाँ पर 1 2 3 4 5 पासवर्ड पुट करेंगे, लॉगिन करने पे वो मुझे नेक्स्ट अगले पेज पे ले जाएगा। ठीक है जी। अब हमें नहीं पता कि ये यहाँ पर जो है वो कौन सा यूजर जो है वो लॉगिन हुआ है, तो उसके लिए हम एक सेशन क्रिएट करते हैं। सेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एड न्यू क्लास सेशन स्टेट सेपरेट ही कर लेते हैं, पब्लिक और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग उसका ईमेल जो है वो मैं यहाँ पे सेशन के तौर पे मैं सेव करवाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे और भी डाटा टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक सर्विस जो है वो कॉल करवाएंगे, सर्विसेज डॉट एड स्कूप्ड। एड स्कूप्ड जो है ये असल में क्या है, सेशन सेशन स्टेट, यहाँ पर मुझे यूजिंग डेटा एक्सेस लाइब्रेरी डॉट मॉडल की डायरेक्टरी भी यूज करनी होगी क्योंकि सेशन स्टेट जो है वो मैंने उस मॉडल के अंदर डिक्लेयर किया। अच्छा, अब ये जो एड स्कूप्ड वाले
सर्विस है, इसका मतलब क्या है कि ये सर्विस जो है वो वन टाइम डिफाइन होगी, उसके बाद ये डिफाइन नहीं होगी। मतलब हम इसके अंदर एक ही दफा डाटा रख सकते हैं उसको जो है, या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं वन टाइम के लिए, ठीक है जी। और ये बेस्ट वे है हम अपने सेशन को सेव करवाने, इसके जरिए से वो इजीली हम सेशन को सेव करवा सकते हैं। और यहाँ पे अब लॉगिन पे आते हैं, यहाँ पर उसी सर्विस को मैं इंजेक्ट कर लेता हूँ, इंजेक्ट सेशन स्टेट, स्टेट मैं उसका नेम रख देता हूँ, ठीक है। अब इस स्टेट के अंदर अगर वो लॉगिन होता है तो साथ ही स्टेट के अंदर डॉट ईमेल के अंदर, सॉरी, मैं मॉडल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मॉडल जो है वो मैं इसके अंदर सेव करवा देता। अब इस स्टेट को आप बड़ी इजीली कहीं पर भी आप मैं इसको जो हमारे पास शेयर्ड है उसके अंदर मेन लेआउट के अंदर मैं इसको, ये जहां पर अबाउट लिखा हुआ है इसी के साथ ही मैं यहाँ पर वेलकम टू, यहाँ पर भी हमें इंजेक्ट सेशन स्टेट और यहाँ पर एट स्टेट डॉट ईमेल भी यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, admin@gmail.com 12345, अब यहाँ पर वेलकम टू admin@gmail.com, मतलब क्या है कि ये वही सेशन है जो हमने लॉगिन के दौरान हमने वहां पे सेव करा है। अगर हम लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट के लिए मैं इसको यहाँ पर इसी को यूज कर लेता हूँ, लॉग आउट, ब्लैंक जो है वो खत्म करते हैं, एट नाम क्लिक की सूरत में मैं एक फंक्शन कॉल करवाता हूँ, लॉगआउट वाला, पोर्ट प्राइवेट वाइड लॉगआउट। अब इस लॉगआउट के अंदर हमें दो काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर नेविगेशन को इंजेक्ट करके हमें बैक टू लॉगिन जाना है, इंजेक्ट नेविगेशन मैनेजर, नेविगेशन मैनेजर माई नेव, इस माई नेव के जरिए से डॉट नेविगेट टू, यहां पर नेविगेट हो जाना है बस मैंने, और स्टेट
स्टेट इज इक्वल टू नल। कि जो स्टेट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, सेक्शन के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, हम उसको नल कर देंगे और बैक टू लॉगिन आ जाएंगे। 1 2 3 4 लॉगिन हुए और ये हमारे पास लॉग आउट है। यहाँ पे क्लिक किया एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, जी। अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास वेलकम टू आगे नथिंग आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसको लॉगिन करके लेके आऊंगा तो वहां पर हमारे सेशन के अंदर वैल्यू मौजूद। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने लॉगिन कैसे बनाते हैं ने इस ब्लेजर की एप्लीकेशन के अंदर वो देखा, और सेशन जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और एडवांस फीचर के बारे में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। काइंडली हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।